हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन आइड। कैसे हैं आप सब? सो आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स और हैक्स बताने वाली हूँ लिप केयर को लेकर। होता क्या है कि हम अपने स्किन के केयर पे तो बहुत ध्यान दे देते हैं, लेकिन अपने लिप्स के केयर को लेकर हम काफी इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। इवन लिप्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और लिप्स के केयर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जबकि लिप्स को भी उतनी ही केयर की जरूरत होती है जितना कि स्किन को होती है। होता क्या है कि हमारी स्किन के ऊपर 16 सेल्स की लेयर होती है और जो लिप्स होते हैं उसमें 3 to 5 सेल्स की लेयर होती है, जो कि फेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है और सबसे ज़्यादा ध्यान हमें लिप्स पे देना चाहिए। इवन इसी तरह हमारे अंडर आई में भी बहुत ही कम लेयर्स होती हैं, सो उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अक्सर होता क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो आपको सबसे पहले जो उसका असर है वो आपको आपके लिप्स में नज़र आता है और आपके अंडर आई पे नज़र आता है। इसका रीज़न यही है कि दोनों की स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो इन दोनों में भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं लिप्स पे। सो हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं, चैप्ड हो जाते हैं, और पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को होता है, और डार्क लिप्स, ये भी बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ही डिफरेंट रीज़न से हो जाती है। इवन डार्क लिप्स भी बहुत सारे रीज़न से होता है, कुछ लोगों के नेचुरली शुरू से डार्क लिप्स होते हैं। सो ये जितनी भी लिप्स की प्रॉब्लम्स होती है इन्हें हम लिप केयर से फिक्स कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आसान है लिप्स की केयर करना। बस आपको अपना रूटीन एक बना लेना होता है और उसके बाद फिर आपको अपने हेल्दी लिप्स नज़र आएंगे। और ज़्यादा इसको ना बढ़ाते हुए आप सीधे टिप्स में आ जाते हैं। और जो सबसे पहला टिप है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, यानी कि अपने आप को आपको हाइड्रेटेड रखना है। इवन आपको रोज़ एटलीस्ट 8 ग्लास पानी तो ज़रूर पीना चाहिए। इवन आप खुद भी फील करते हैं कि जब भी हमें कभी प्यास लगती है या फिर हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं तो सबसे पहले आप अपने लिप्स में फील करते हैं, हमारे लिप्स ड्राई होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो इसलिए होता है कि जो लिप्स की स्किन है वो बहुत पतली होती है, तो सबसे पहले असर उस पर आ जाता है। तो अगर आप कभी भी फील करते हैं कि आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं तो इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, सबसे पहले तो पानी पीजिए। सो सेकेंड टिप है लिप एक्सफोलिएशन। जी हाँ, लिप में भी स्क्रब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे लिप्स में भी डेड स्किन आ जाती है और उसी डेड स्किन की वजह से हमारे लिप्स चैप्ड हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फ्लेकी हो जाते हैं और लिप्स में कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो इसका वन एंड ओनली सोल्यूशन स्क्रबिंग ही होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो फेस के स्क्रब को ही लिप पे यूज़ कर लेते हैं, बट लिप्स की स्किन और फेस की स्किन में बहुत अंतर होता है, इवन जमीन आसमान का फर्क होता है। सो मुझे नहीं लगता कि वो सेम स्क्रब आपको लिप पे यूज़ करना चाहिए। सो लिप पे एक स्क्रब ज़रूर यूज़ करना चाहिए, आप हफ्ते में एक बार या दो बार यूज़ कर सकते हैं। मैं आजकल जो स्क्रब यूज़ कर रही हूँ वो है TNW द नेचुरल वॉश का ऑल नेचुरल लिप स्क्रब। सो मैं एक ये स्क्रब आपको रिकमेंड कर रही हूँ, और इसके साथ मैं आपको एक होम रेमेडी लिप स्क्रब भी बता दूंगी। सो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बट मेरे जैसे पर्सन के लिए होम रेमेडी बार बार बनाना काफ़ी मेसी है, सो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे आप हफ्ते में एक या दो बार यूज़ कर सकते हैं, आपके जो लिप्स में जितनी भी डेड स्किन होती है ये पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर देता है। आपको इसे बस अपने फिंगर में निकाल के अपने लिप्स में सर्कुलर मोशन में थोड़ी देर मसाज करना होता है, और उसके बाद इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देना होता है। फिर आप उसे धो सकते हैं या फिर आप किसी भी टिश्यू या टॉवल से गीला करके इसे पोंछ भी सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। ये आपके लिप्स को सॉफ्ट एंड सपल रखता है, आपकी अगर लिप्स में पिगमेंटेशन है या फिर टैनिंग है तो उसे ये रिड्यूस कर देता है। और साथ में बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। सो आई हैव टू से बहुत ही अच्छी फ्रूटी फ्रेग्रेंस है इसकी, तो मुझे तो स्ट्रॉबेरीज याद आते हैं। सो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर मैं आपको ये होम रेमेडी भी साथ में बता देती हूँ। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको अपनी नॉर्मल शुगर को थोड़ा सा क्रश करना होता है, उसमें थोड़ा सा शहद डालना होता है और थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स नींबू के डालने होते हैं, और उसके बाद फिर इन सबको मिला के आपको एक्सफोलिएट करना होता है अपनी लिप्स को। सो स्क्रब आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आपको हर हफ्ते अपने लिप्स में ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपनी डेड स्किन को हटाने के लिए। सो इसके साथ मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जिसे देखते ही मैंने इसे लिया था। सो इसमें शिया बटर है, कोकोआ बटर है, ब्राउन शुगर है, साथ में इसमें वॉलनट शेल है, कोकोनट ऑयल है, वॉलनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, और भी बहुत सारे ऑयल है लाइक ऑर्किड्स, डेजी, रोज, पपाया, लोटस के भी ऑयल्स इसमें पड़े हुए हैं, बेजिल भी है। काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके और ये पैराबेन फ्री है। सो इस प्रोडक्ट को मैं तो अपनी तरफ से एक थम्स अप दूंगी, और मैं तो इसे हर वीक यूज़ करती हूँ। कुछ यूजेस के बाद ही मुझे काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स मिल गए थे, मेरे लिप्स अब काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, इवन बिल्कुल भी चैपी नहीं रहते हैं। सो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टिप की या फिर नेक्स्ट स्टेप की। सो नेक्स्ट स्टेप है लिप सीरम। सो मैं लिप सीरम भी TNW द नेचुरल वॉश का ही यूज़ करती हूँ। सो इस लिप सीरम में SPF 15 है, जो कि आपके लिप्स में किसी भी तरह का सन डैमेज नहीं होने देगा। इसमें विटामिन ई है, आमंड ऑयल है, एलोवेरा है और रेटिनॉल है, जो कि आपके लिप्स को हाइड्रेटेड रखेगा, आपके लिप्स को सॉफ्ट बनाएगा
और आपके लिप्स को चैप नहीं होने देगा और आपके लिप्स को प्लम्पी बनाएगा, और साथ साथ आपके लिप्स में अगर लाइंस भी हैं तो उसे भी धीरे धीरे ये कम कर देगा। सो इसे तो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, कभी कभी दिन में 2-3 बार यूज़ कर लेती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, बहुत फ्रूटी है और इसे लगाना भी काफ़ी आसान है बिकॉज ऑफ द रोल ऑन। बस इसे आपको अपने लिप्स में लगाना है और ये बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है और ये पैराबीन एंड मिनरल ऑयल फ्री भी है। सो सिरम भी हमारे लिप की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो सिरम अप्लाई करने के बाद फिर आप कोई भी लिप बाम लगा सकते हैं, कोई भी लिपस्टिक लगा सकते हैं। सो एक तरह से ये एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है और आपके लिप में किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं होने देता है। इवन आप इसे लिपस्टिक के ऊपर भी लगा सकते हैं और ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट है, सो आपके लिपस्टिक का कोई भी शेड चेंज नहीं होता है। मुझे तो इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी लगती है कि मैं इसे 2-3 बार लगा लेती हूँ दिन में। अगर आपके पास लिप सिरम ना हो तो फिर आप वाइट बटर लगा सकते हैं। जब हम घर में घी बनाते हैं और जो वाइट बटर निकलता है वो आप डायरेक्ट लिप में लगा सकते हैं, बट वो आप रोज़ रोज़ नहीं लगा सकते हैं, जो मुझे ऐसा फील होता है। ये इस तरह का सिरम लगाने से क्या होता है कि आपके लिप्स में पूरा अच्छे से ये अब्सॉर्ब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट हो जाती है लिप्स में। सो ये एक नेचुरल एंड अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हैक की, वो है एक होममेड लिप बाम। इसके लिए आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल चाहिए और विटामिन ई ऑयल चाहिए और बस इन्हें मिक्स करके आपको फ्रिज में रख देना है। आप इसे स्टोर कर सकते हैं और आइए आपका एक लिप बाम तैयार हो जाता है। सो रोज़ रात को आप इसे लगा के सोइए, सुबह आपको खुद एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो लास्ट टिप है वो ये है कि कभी भी लिपस्टिक लगाकर मत सोएं, हमेशा सोने के पहले लिपस्टिक को ज़रूर रिमूव करें और कोई लिप बाम लगाकर ही सोएं, आपको खुद काफ़ी अच्छे रिजल्ट सुबह मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सो आई होप मेरे ये टिप्स एंड हैक्स आपके लिप केयर को लेकर यूजफुल होंगे और आप भी इन्हें खुद यूज़ करें और अपने लिप्स में एक पॉजिटिव रिजल्ट देखें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल द ब्राउन आइट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।